कहीं कोई भी लोग आते हैं, जो भी आते हैं, वहाँ लिट्टी और चाय का मजा और चुस्की के संग में ही आगे जाते हैं, चाहे वो रांची जाना हो, चाहे पटना जाना हो। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे साइड टू मैक में फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, इस वक्त हम है आई लव बख्तियारपुर, यानी कि बख्तियारपुर में हम हैं। यहाँ के कुछ फेमस चीज़ है जैसे चाय, लिट्टी और कुछ और चीज़ है। हम यहाँ का फेमस चाय और लिट्टी पर जैसा देखते हैं क्या टेस्ट होता है। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ के दृश्य देखिएगा तो यहाँ पर काफ़ी हलचल रहती है यहाँ पर, और कहीं कोई भी लोग आते हैं, जो भी आते हैं, वहाँ लिट्टी और चाय का मज़ा और चुस्की के संग में ही आगे जाते हैं, चाहे वो रांची जाना हो, चाहे पटना जाना हो, तमाम तरह के यहाँ पर रास्ते हैं यहाँ पर। और ये पीछे जब लिखिएगा एक खूबसूरत लगा हुआ है, आई लव बख्तियारपुर। हम इसी बख्तियारपुर से यहाँ आए हैं, देख लेते हैं ज़रा, चाय का मज़ा लेते हैं और लिट्टी का स्वाद देख लेते हैं कि कैसा चीज़ है। चलिए मेरे साथ लिट्टी ले लिए हैं। और ये लिट्टी में आपका जब देखिएगा तो यहाँ पर घी लगी हुई है, सब्जी है, चटनी है, अचार है और प्याज है, और ये हरा मिर्चा दिया है। बख्तियारपुर आए हैं तो लिट्टी का टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं टेस्ट कैसा है। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कहाँ घर पड़ता है? हाँ तू हाँ आते हो दिल्ली खाने? खाने आते हैं, इधर रास्ता से गुजरते हैं तो आते हैं खाने। ठीक है, तो स्वाद मस्त रहा और चाय का भी स्वाद ले रहे हैं, ये भी मस्त है। खासियत है कि जहाँ पर अगर लिट्टी मिल रही है वहाँ पर चाय ज़रूर है, हम जानकारी लेते हैं। और यहाँ जब हांडी में जब देखिएगा तो बहुत एक सुंदी सुंदी महक है, बहुत खूबसूरत, मतलब कि आप कह सकते हैं यहाँ पर जो है खुशबू। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ सर। अच्छा, हम लोग कब से दुकान है यहाँ? 5 साल से सर। अच्छा, 5। कितना दुकान होगा लिट्टी और चाय का? यहाँ 15-20 दुकान है सर। क्या विशेषता है निरंजन? यहाँ विशेषता की चाय लिट्टी पेड़ा सर यहाँ फेमस हो गया। हम लोग हांडी में चाय बनाते हैं, प्लस सोना सोना इलायची डाल डाल कर पिलाते हैं सब लोग का, बहुत टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, पीते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा यहाँ लोग बनता है, इसलिए यहाँ चाय पीने के लिए आते हैं। तो ऐसा कोई फेमस कोई राजनीतिक कोई व्यक्ति आया है कि नहीं? नहीं, यहाँ नहीं आया कोई सर। अच्छा। हम लोग एक हांडी में चाय, कपटी में चाय पिलाते हैं सर। पीने में बाबू पिए कि नहीं? नीतीश बाबू वह पिए सर, तेजस्वी आकर यहाँ भी पिया है सर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी लिट्टी और चाय का मजा लिए हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि लिट्टी चाय के अलावा पेड़ा भी है। चाचा लिट्टी कैसा लगा? ठीक। क्या विशेषता है लिट्टी में? लिट्टी में टेस्ट है। कहाँ से आया? बरौनी। अच्छा, अभी बरौनी से आया। हाँ चाचा बोल रहे हैं कि लिट्टी में टेस्ट है, चाय में मस्ती है, यहाँ पूरे ग्रुप के साथ में लिट्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ नहीं देखा जाता है कि बिहार के विभिन्न प्रांतों से लोग आते हैं लिट्टी और चाय का मज़ा लेने के लिए, लिट्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ ग्रुप में हैं, मित्र लोग हैं। भाई क्या नाम हुआ भैया? सुबोध चौधरी। लिट्टी कैसा है? लिट्टी बहुत बढ़िया है। हाँ, कहाँ से आए हैं? बरौनी से। अच्छा, ये पूरा ग्रुप है बरौनी से हैं। लिट्टी के संग चाय, अगर यहाँ भी दुकान में देखिएगा तो लिट्टी है, साथ में ये हांडी में चाय बन रही है। और ये पॉइंट जो आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं बख्तियारपुर से तमाम चोखा लगा। हाँ बताइए सर, क्या बोला? लिट्टी से बढ़िया उसका चोखा लगा। हाँ। और उसमें लहसुन जो था ना, ये मजा आ गया। हाँ, लिट्टी खाएं कि चोखा खाएं? लिट्टी दो खाएं, चोखा खूब खाएं। कह रहे कि लिट्टी दो खाएं लेकिन चोखा खूब खाएं। यहाँ पर जब देखिएगा तो बख्तियारपुर है और ये फ्लाईओवर अभी निर्माणधीन है चारों तरफ, और ये आप कह सकते हैं एक सेंटर है। इस सेंटर में लोग आते हैं, थकान मिटाते हैं,
और लिट्टी और चाय का मस्ती के संग फिर आगे की राह देखते हैं। SSI Tube आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।